हाय दोस्तों, वेलकम है चैनल टेक्नो खाजा में आपका। मेरा नाम है खाजा और आप देख रहे हैं टेक्नो खाजा। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ HTML प्रोग्राम के बारे में। तो मैं आज आपको HTML प्रोग्राम में इमेज इंसर्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे इमेज जो है आपकी इंसर्ट कर सकते हैं वो HTML प्रोग्राम में, और कैसे वेब पेज पर शो करा सकते हैं आपका प्रोग्राम जो इमेज वाला प्रोग्राम है। तो काफ़ी लोग HTML इमेज प्रोग्राम को करते हैं, तो HTML का प्रोग्राम तो वो सही से लिख देते हैं, लेकिन वेब पेज पे जो है उनकी इमेज जो है शो नहीं होती है। तो उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो क्या मिस्टेक कर देते हैं जो यूज़र जो HTML प्रोग्राम लिखते हैं, तो क्या उनसे मिस्टेक हो जाती है कि उनके प्रोग्राम अगर सही रहता है फिर भी उनका जो इमेज जो है वो वेब पेज पे शो नहीं होता। तो इस रिलेटेड ये वीडियो बनाया हूँ, तो आज आपको शो करा के दिखाऊँगा आपका इमेज वेब पेज में। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है HTML का इमेज इंसर्ट का प्रोग्राम लिख कर ही रखा है, बस ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं होने की वजह से। तो ये सिंपल आप देख सकते हैं, यहाँ नोटपैड में मैंने ये सिंपल HTML प्रोग्राम यहाँ पर लिख कर रखा हूँ। तो देख सकते हैं सिंपल प्रोग्राम है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, बस एक 4-6 लाइन्स का प्रोग्राम है। तो इसको एक बार सेव करते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इमेज का नेम भी दे दिया हूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। तो ये मेरा नेम है चैनल का, तो ये मेरा चैनल का नेम है और यहाँ इमेज का नेम है। तो इतना सा है, सेव कर लिया हूँ मैं। तो आपको ये यहाँ से सेव कर दिया हूँ मैं। तो यहाँ से आपको सेव करने का भी एक बार दिखा दूँ मैं। जब आप सेव करते हैं तो आपको बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ से एक बार इस प्रोग्राम को ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये प्रोग्राम का नाम आप देख सकते हैं KP मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। तो इसको ओपन कर लेते हैं HTML में। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर HTML प्रोग्राम लिख कर आ रहा है। तो यहाँ से मैं वो हेडिंग दिया हूँ, तो वो एग्जाम्पल HTML इमेज एग्जाम्पल आ रहा है। तो यहाँ से मेरी इमेज आ रही है, तो ये इमेज है। तो यहाँ से मैं थोड़ा आगे का जो मेरा नाम है चैनल का वो दे दिया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम बिल्कुल सही है, प्रोग्राम में कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इमेज जो है बिल्कुल शो नहीं हो रही है वेब पेज में। तो इसमें क्या मिस्टेक आपने किया है मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, प्रोग्राम जो है हमारा डेस्कटॉप पे सेव है, तो ये आप देख सकते हैं KP यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर रखा हूँ मेरा प्रोग्राम को। तो क्रोम ब्राउज़र पर यहाँ पर जो है मेरा डेस्कटॉप पर सेव है प्रोग्राम, तो डेस्कटॉप पर सेव है। और यहाँ पर देखिए मैं जो इमेज दिया हूँ वो इमेज जो है मेरे दूसरे फोल्डर में सेव है। तो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरी इमेज जो है यहाँ पर पिक्चर्स के फोल्डर में सेव है। तो ये जो मेरी इमेज है लास्ट वाली, तो यहाँ से देख सकते हैं ये वाली जो TT दिख रही है आपको, ये वाली इमेज जो है मेरी पिक्चर्स वाले फोल्डर में शो है। तो इसको ले जाकर यहाँ से सिंपल कॉपी कर डेस्कटॉप पर पेस्ट कर दूंगा मैं, बस ज़्यादा कुछ काम नहीं है, डेस्कटॉप पर पेस्ट कर दूंगा। तो डेस्कटॉप पर इमेज को पेस्ट कर देने के बाद अब हम देखते हैं ब्राउज़र को ओपन कर। सबसे पहले तो मैं नोटपैड ओपन कर प्रोग्राम दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जैसे का वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पर। तो अब हम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो ब्राउज़र में KP नाम पर सेव है प्रोग्राम, तो इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, बस इमेज को जो है पिक्चर वाले फोल्डर से निकाल कर डेस्कटॉप वाले फोल्डर में पेस्ट कर दिया। तो यहाँ से ये वो ब्राउज़र पर सेव होने लग चुकी है इमेज अब। तो पहले वाला प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो पहले जब मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को ओपन कर लिया था वेब ब्राउज़र में, तो कुछ इस तरह दिख रहा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ अब इस तरह दिख रहा है। तो ये ओपन हो चुकी है इमेज। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों ऐसा ओपन हो चुकी है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहाँ आपका प्रोग्राम सेव होता है तो आपकी इमेज भी वहीं सेव होनी चाहिए। तो आपका प्रोग्राम है डेस्कटॉप पर, आपकी इमेज जो है दूसरे फोल्डर में है, तो ऐसा वेब ब्राउज़र पर इमेज जो है शो नहीं होगी। या आपका प्रोग्राम जो है किसी और फोल्डर में है, या इमेज जो है किसी दूसरे फोल्डर में है, तो अलग अलग फोल्डर्स में है, प्रोग्राम अलग फोल्डर में है और इमेज अलग फोल्डर में है, तो इससे जो है वेब ब्राउज़र पर आपकी इमेज जो है सेव नहीं होने वाली। जहाँ आपका जिस भी फोल्डर में आपका प्रोग्राम सेव है
इमेज को भी या तो कॉपी कर कर लेकर का आकर पेस्ट कर दीजिए उसी फोल्डर में, या तो मूव कर दीजिए, जिस फोल्डर में आपका HTML वाला प्रोग्राम सेव है उसी फोल्डर में आपका इमेज का होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है उसी फोल्डर में इमेज का होना, तब जाकर जो है वेब पेज पर आपकी जो है इमेज जो है वो शो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पहले जब मैं यहाँ से रन कर रहा था मैं वेब पेज पर, तो यहाँ कुछ इस तरह दिखा रहा था, तो अब मैं जो यहाँ पर डेस्कटॉप पर लाकर पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह दिखा रहा है, क्योंकि जो मेरा प्रोग्राम है पहले से ही डेस्कटॉप पर सेव था, अब जो इमेज जो है मेरे पिक्चर वाले फोल्डर में सेव थी, तो इसके वजह से जो है वो नहीं शो हो पा रही थी इमेज। तो अब यहाँ पर दोनों भी डेस्कटॉप है, अगर दूसरे फोल्डर में इसको रखना चाहते हैं तो दोनों साथ ही एक ही फोल्डर में रखिए दोनों को, तो तब जाके आपकी इमेज जो है शो हो जाएगी। तो जो एक और बात कहना चाहूँगा, जो भी बिगिनर्स है जो भी HTML प्रोग्राम सीख रहे हैं नया नया, तो वो इस HTML को प्रोग्राम को सेव करने में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर सेव कर चुका हूँ, तो इसको सेव एज करके मैं दिखाऊँगा, पहले तो यहाँ से ये हटा देता हूँ, तो सेव एज करके इसको दिखाऊँगा कि क्या मिस्टेक करते हैं। तो कुछ लोग सेव करने में मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि वो अपना डायरेक्ट जो भी नाम होगा वो नाम देके XYZ वो नाम देके वो सेव कर देते हैं, तो वो सेव करने के बाद कुछ यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह वो दिखाई देगी जहाँ भी सेव करेंगे, तो इस तरह दिखाई देने के बाद आप इसको जो है वेब ब्राउज़र को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है एक पेज बनकर सेव हो जाता है, ये एक शीट बनकर नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनकर सेव हो जाता है, तो इसको ओपन नहीं कर सकते आप ब्राउज़र पे। तो सेव करने में काफ़ी लोग बहुत गलती करते हैं, क्योंकि वो बिगिनर्स होते हैं उनको इतना पता नहीं होता है। तो जब भी आप अपना प्रोग्राम सेव कर रहे हैं HTML प्रोग्राम, तो आपका जो भी नाम है वो पहले आप दे दीजिए, तो मेरा नाम KP है, तो एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ KP, और के पूरा अपना आपका नाम देने के बाद उसके बाद आपको .html देना ये कंपलसरी है। अगर ये दोगे तो आपका जो है प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, वरना तो यहाँ से देख सकते हैं सीट दिख रही है आपको, तो इस तरह आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको हटा कर अब यहाँ से मेरा नेम चेंज कर देता हूँ मैं, ये kp2.html। तो यहाँ से डेस्कटॉप पर ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, या तो आप दूसरे फोल्डर पे सेव करना चाहे तो यहाँ से क्लिक कर कर चेंज कर सकते हो फोल्डर। तो मैं बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप पर रखूँगा, क्योंकि ओपन करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा नेम जो है kp2.html है, और प्रोग्राम जो है डेस्कटॉप पर सेव है। तो यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ ईजीली, तो सेव करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये पहले वाला प्रोग्राम है, तो ये दूसरे वाला मैं जो अभी सेव कर चुका हूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं तो ये भी ब्राउज़र के ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में ओपन होने के लिए तैयार है। तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं इमेज ओपन हो गई है। तो ये फर्स्ट हमारा एरर है, तो दूसरी बार जो है डेस्कटॉप पर इमेज पेस्ट कर दिखाया हूँ, ये मेरा KP2 वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम्स देख सकते हैं ऊपर मेरा कर्सर जहाँ है, तो यहाँ सिर्फ KP दिखा रहा है या KP2 दिखा रहा है। तो आज जो भी नेम देने के बाद आप ज़रूर KP जो भी आपका नेम है देने के बाद .html कंपलसरी आपको लगाना है, तभी आपका जो भी है प्रोग्राम वो ऑटोमेटिकली कोई भी ब्राउज़र हो आपके लैपटॉप में वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा और उसको ओपन होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो में, कुछ मिस्टेक्स थी उसको मैं सॉल्व कर दिया, और आपको जो भी आपकी इमेज है उसको वेब ब्राउज़र पे कैसे सेव कर सकते हैं वो दिखा दिया मैं इस वीडियो में। तो ऐसे ही हम इंफॉर्मेशन के वीडियोस लाते रहते हैं, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह के हम वीडियोस लाते रहते हैं मैं चैनल पर, HTML के प्रोग्राम के रिलेटेड और इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। तो जो भी नए व्यूवर्स है चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लिए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन के रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले एक इन्फॉर्मेशन की वीडियो में बहुत जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।